नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीजनिंग के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग नंबर की, जहां से कि आपको सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और सारे एग्जाम में क्वेश्चंस भी बहुत ही ज़्यादा पूछे जाती है, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो या फिर बैंकिंग का हो, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका देखेंगे, जिससे कि बिना कोई देर किए आपको इसके क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आपको जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। एक फिगर होते हैं, उसमें सम नंबर्स होते हैं, तो उस नंबर्स में हमें लगाने होते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। ये आपका एक सीरीज पे चलता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा कौन सा होगा। आपका 121 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 11 दिया हुआ है, 64, 144, 121, तो ये सारा हमारा है क्या? तो 8 का तो नहीं पता, 121 को हम कह सकते हैं क्या? तो 11 का होल स्क्वायर, 144 को कह सकते हैं 12 का होल स्क्वायर, 64 को कह सकते हैं हम क्या? तो ये भी हमारा 8 का होल स्क्वायर होता है। अब आपको यहाँ पे से साफ ही दिख रहा होगा कि 8 का होल स्क्वायर इसके जस्ट सामने है, 11 का भी होल स्क्वायर इसके जस्ट सामने है, तो नेक्स्ट है हमारा कितना? तो नेक्स्ट हमारा 12 का होल स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे हमारा 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसी तरीके से आसानी से हमारे मिसिंग नंबर के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको बहुत ही ईजी है, आपको छोटा छोटा दिमाग लगाने होते हैं, आपके स्क्वायर, क्यूब और इसी तरीके से फिगर्स पे होते हैं, डिफरेंस, मल्टीप्लीकेशन, डिवाइडेशन, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमारा 7, 14, 18, 21, 42 एंड नेक्स्ट। तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में आता है 7 × 2 = 14, तो आपका नेक्स्ट होना चाहिए था 18 × 2 = 36, जो कि आपका नहीं है। तो नेक्स्ट हमारा दिमाग में क्या आ रहा है? बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह क्रॉस में है, 7 × 3 = 21, 14 × 3 = 42, तो नेक्स्ट हमारा क्या जाएगा? तो 18 × 3 जाएगा, यानी कि 54। 18 × 3 क्या होता है? तो 54 होता है, तो यही हमारा हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा, इसमें आपका चार ही नंबर से, इन चारों में रिलेशनशिप ढूंढना है, 6, 19 है, 58 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हम देखें तो 6 और 19 को हमने एक सीरीज में डाल दिया सारे को, तो 6 और 19 में रिलेशनशिप क्या है? तो 6 × 3 + 1 हमारा हो जाता है 19, एंड 19 × 3 + 1 हमारा हो जाता है 58, तो नेक्स्ट क्या जाएगा? तो 58 × 3 + 1, तो ये हमारा क्या हो गया? 58 × 3, यानी 8 × 3 = 24, 5 × 3 = 15, 15 × 2 हमारा हो गया 17, प्लस 1 कर लेंगे तो 175 हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपको हमने तीन तरह के क्वेश्चन बताए, तीनों अलग अलग टाइप के थे। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और भी। नेक्स्ट आपका स्क्वायर में है, आपका एक मैट्रिक्स बना हुआ है 4 × 3 का, तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्या जाएगा ये हमें ढूंढने हैं। तो आपका क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल हमें देखने होते हैं। तो हम अगर इस तरीके से देखें, बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं सबसे शुरू में तो हमारे दिमाग में आ रहा है 5 + 4 = 9, तो हम नेक्स्ट में देखें तो 7 + 2 हमारा 9 होना चाहिए, बट 4 है, तो ये हमारा रिलेशनशिप नहीं जा रहा है। तो अगर ये रूल नहीं काम कर रहा है तो नेक्स्ट हम इस रूल पे जाएंगे, तो हम देख रहे हैं हमारा दिया हुआ है 5, 6 और 7 को ऐसा क्या करें कि 65 बन जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं नीचे का सारा ऊपर से ज़्यादा है। तो 5, 6 और 7 को हम कर क्या सकते हैं? तो हम देखें तो अगर हम करें 7 + 6 को ऐड कर दे, 7 + 6 एंड × 5 कर दे, तो 13 × 5 होता है हमारा 65। नेक्स्ट इसी तरीके से जाएगा हमारा क्या? तो नेक्स्ट हो जाएगा 3 + 2 × 4, तो 5 × 4 हमारा हो जाएगा 20, तो नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट हो जाएगा x + 4 × 9 = 45, तो x + 4 = 45 / 9, तो ये हमारा 5 times। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा इसी तरीके से x की वैल्यू निकालेंगे तो x = 5 − 4, यानी कि आ जाएगा हमारा 1, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको देखें, आपको यही सारा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें आपको दिमाग देखें, आप इसे जैसे ही अलग लिखें तो हमारे पास दिमाग में आप किसी भी तरीके से कर रहे हो तो हमारा 65 आ ही नहीं रहा है, तो हम कैसे इसे क्या करें कि हमारा 65 आ जाए, वो हमें सोचना पड़ेगा, उसके बाद हमारा बन गया। अब जैसे कि देखते हैं नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 6, 3, 2, ये भी आपका ऊपर से नीचे की ही ओर जा रहा है, तो 6, 3 और 2 में क्या रिलेशनशिप होगा कि 36 आ जाए? तो 6, 3, 2 में तो 6 × 3 × 2 करते हैं तो हमारा हो जाता है 36, तो नेक्स्ट हमारा हो गया 4 × 6 × 3 क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा 72। तो आपको देख रहे हैं अगर फर्स्ट के दो में वही रूल अप्लाई हो जाए तो नेक्स्ट भी वही रूल लगा देंगे, तो 5 × 5 × 4 हो जाएगा हमारा कितना? तो 100, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हमारा
क्वेश्चन है 5, 6, 7, 210, 6, 5, 4, ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो 5 × 6 × 7 = 210 होता है। 6 × 5 = 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210। फिर हमने किया 6 × 5 × 4 तो 5 × 20, 20 में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 120, 3, 4, 5 को मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया 60। तो 8, 7 एंड 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 336, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 9, 5, 3, 135, 5, 7, 4, 146, 5, 150 होगा। तो ये भी आपका लगता है सेम ही रूल अप्लाई हो रहा है, 5 × 3, 15, 15, 9 + 135, 7, 4, 5 को मल्टीप्लाई किया तो 140। तो नेक्स्ट हम 6, 5 और x में 150 लाना है तो x इक्वल टू हमारा हो जाएगा 150 / 30, यानी हमारा हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर 2। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताएगा। साथ ही साथ ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।